फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और मैं लेकर के आया हूँ। तो मैं आज आपको बता दूँ, ये हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा। तो मैं चलिए इसको तब से मैं चालू भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम से पता चल जाए। तो मैं इसकी पावर की को प्रेस करता हूँ, तो ये मैंने इसको चालू कर दिया गाइस। सैमसंग का M01S मॉडल है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैमसंग M01S है और ये स्टक ऑन लोगो पे है गाइस। तो मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको गाइस। और आप वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिए, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप लास्ट दिन तक जरूर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं काफी टाइम पे फर्स्ट बूट पे यहाँ पे स्टक है गाइस। तो मैं इसको लास्ट में मैं आप फाइनली करके दिखाऊंगा, यहाँ पे सब कुछ A to Z करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फाइनली यहाँ पे M01S। और एक खास बात मैं यहाँ पे और भी एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को आप बने रहें और ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें कंटिन्यू। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम सबसे पहला इसका सोल्यूशन यही गाइस कि हम इसको अगर स्टक आता तो एक बार आप इसको फ्लैश करके देखें। तो जल्द ऐसा नहीं कि लास्ट में एंड में भी बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले अगर ये स्टक ऑन लोगो है तो एक बार इसको फ्लैश करिए गाइस। तो फ्लैश करने के लिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने फाइल यहाँ पे उसकी डाउनलोड कर ली है और फाइल के साथ साथ अब हमें टूल की आवश्यकता होगी। तो मैं टूल को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो एक टूल भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं इस टूल को ओपन कर लेता हूँ और फटाफट देर न करते हुए वीडियो को हम बहुत फास्ट में भी ही करेंगे बिना देर किए हुए गाइस। तो चलिए फटाफट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सारा चीज़ यहाँ पे। और ये टूल हो गया और ये हमारी फाइल हो गई। तो सबसे पहले आप फ्लैश करो, फ्लैश करने से नहीं होता तो मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ और अभी एक बहुत अच्छा चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे दे देते हैं और फाइलों को हम दे देते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारी फाइल है। तो मैंने AP सेलेक्ट किया था तो AP को दे देते हैं। AP में तो लगेगा थोड़ा सा टाइम। इसमें जो CPU है गाइस, इसमें जाइनोक्स नहीं है, इसमें जो CPU है मीटाटेक CPU है। और इसका जो MMC स्टोरेज IC है वो इसमें लगा हुआ है गाइस, सैमसंग का लगा हुआ है। स्टोरेज IC जो है इसकी सैमसंग की लगी हुई है। तो मैं इसका रीजन और सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा रहा हूँ, लाइव करके ही आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तो मैं आपको एक चीज बता दूं और एक ट्राई करके भी आपको मैं दिखा दूं गाइस, कि जब मैं इसको डाउनलोड मोड पे ले जा रहा था, क्योंकि जब हमें फ्लैश करना है ऑडियंस से, तो मैं जब इसको डाउनलोड मोड पे ले जा रहा था गाइस, तो वैल्यूम डाउन, और पता ही है आपको वैल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। जब मैं वैल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस कर रहा हूँ गाइस, तो मैं आपके सामने दिखा दूँ यहाँ पे, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। और ये चार्जिंग आइकन पे जा रहा है, जैसा कि आपको मैं बता दूं ये शायद चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है, चार्ज नहीं है यहाँ पे फोन हमारा। तो ये शायद डाउनलोड मोड पे नहीं जा पा रहा है, पर बेसिकली जब मैंने इसको बहुत पहले ट्राई किया था तो ये बेसिकली डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा था गाइज। चलिए तो फिर यहाँ पे हम BL, पहले हम फाइल अपना दे देते हैं, BL को मैंने दे दिया। और BL को देने के बाद CP दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे CPU को भी दे दिया और CSC को भी हम दे देते हैं यहाँ पे। तो ये CSC मैंने सेलेक्ट कर लिया, नॉर्मल CSC मैंने ले लिया। ये हमारी चारों फाइलें यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब बेसिकली जब ये फोन डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा था गाइस, मैं आपको बता दूँ ये फोन डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा था, तो मैंने बहुत ट्राई किया डाउनलोड मोड से नहीं गया। फिर मैंने जिक उसकी एक सैमसंग जिक आती है, शायद आपको पता होगा यहाँ पे, मैंने सैमसंग जिक बूट जिक से भी इसको ट्राई किया तो भी वो सैमसंग बूट जिक से भी नहीं जा रहा था। तो चलिए इसको डाउनलोड मोड पे कैसे लाएं, क्योंकि जब तक तो डाउनलोड मोड पे लाएंगे नहीं तो आप इसको फ्लैश नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास एक अनलॉक टूल है और आई थिंक आपके पास भी अनलॉक टूल होगा, और भी ऐसे टूल्स होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे M01 है, यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब आपको क्या करना है, फोन को ऐसे ऑन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए ये मैंने इस पे ला दिया, आपको ऑन ऐसा होम स्क्रीन पे लेकर के आ जाना है, जैसे कि आपका फोन स्टक ऑन लोगो पे था। तो मैंने इस कंडीशन पे लिया है। अब आप देख सकते हैं एंटर टू डाउनलोड, बहुत अच्छा ये है टूल है। इस अनलॉक टूल के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो आप जाकर के इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आपको सिंपल और सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एंटर डाउनलोड मोड पे कर देना है और ये देख सकते हैं बहुत ही कम समय में आपका ये फोन डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। देख सकते हैं ब्लिंक हुआ और ब्लिंक होने के बाद अभी आपको दिखाई देगा जाए कि ये डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। तो आई होप ये देखें, देख सकते हैं डाउनलोड मोड पे चला गया। तो ये जो तरीका है गाइस, आप भी यूज कर सकते हैं, बाकी बहुत अच्छा है ये जो मैंने जो किया है गाइस, क्योंकि नहीं जा रहा था, मैंने काफी ट्राई किया था वैल्यूम डाउन से तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने बूट जीक भी ट्राई किया तो भी नहीं जा रहा था। तो देख सकते हैं कॉम बन के आ गया,
अगर मैं डिवाइस मैनेजर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सैमसंग पोर्ट भी हमारा बन चुका है। सिंपल सिंपल इसको कर देते हैं फ्लैश और देखते हैं कि इसमें क्या एरर आता है क्या एरर नहीं आता है। सारा कुछ यहाँ पे हम लाइव वीडियो में ही देखने वाले हैं। फिर इसका जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्यूशन होता है कि नहीं होता है गाइस, तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। पे ही देखिए रिसेट हो गया। अब ये फोन देखते हैं गाइस, पास का मैसेज तो आ गया। अब देखते हैं कि हमारा ये फोन कंप्लीटली ऑन होता है कि नहीं होता। देखिए फोन डेड तो नहीं हुआ, जिस कंडीशन में फोन था अभी तो फिलहाल उसी कंडीशन में है। अब ये देखना है कि ये सेकंड बूट होता है कि नहीं होता है गाइस। तो ये देख सकते हैं अभी ये फोन प्रॉपर तरीके से ऑन होता है कि नहीं होता है, हम अभी देखने वाले हैं। फिर से एक बार रिस्टार्ट हुआ है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक बार और सेकंड रिस्टार्ट हुआ है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको बताएंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करूंगा क्योंकि अगर ये फॉर्मेट हुआ है, यूजर डाटा राइट सारा कुछ यहाँ पे ये हुआ है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और क्योंकि इसमें मीडियाटेक सीपीयू है और मीडियाटेक सीपीयू है तो फ्लैशिंग इसका डाउनलोड मोड से ही होगा। और इसकी अनलॉकिंग की अगर बात करें, इसकी FRP की बात करें, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। मैं आई बटन पे मैं इसका पूरा दे दूंगा आपको, आप उस आई बटन के अकॉर्डिंग जा करके भी काम कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आई होप, चलिए मैं फटाफट इसके सॉल्यूशंस आगे का भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि अभी तक ये सेकंड बूट पे नहीं गया है, फर्स्ट बूट पे ही अभी ये स्टक है। तो मैं इसके सेकंड अब इसका मैं फाइनली सॉल्यूशन बता देता हूँ, या फिर अगर ये ऑन होता है, मैं कोई भी फेक वीडियो अपने चैनल पे नहीं डालता हूँ गाइस। जैसा फुल सॉल्यूशंस के साथ मैं वीडियोस आपको डालता हूँ। तो एक मेथड था इसकी फ्लैशिंग, क्योंकि अब इसका मैं सेकंड सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर इसमें ऐसा इस प्रॉब्लम से अगर ये सोल्यूशन नहीं निकलता तो आपको क्या करना है। अब आपको पहला तो यही करना था गाइस, सिंपल तरीका है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है इसको, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो स्टोरेज ऐसी है वो सैमसंग की लगी हुई है, तो इसकी जो MMC है वो सैमसंग की लगी हुई है। तब आपको क्या करना है गाइस, इसका 110% जो सोल्यूशन है आपको इसका CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा गाइस। तो जॉब डन हो जाएगा, हमने इसका सॉफ्टवेयर कर लिया, सॉफ्टवेयर ओके है, सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे किसी और ब्रांड की MMC होती तो हो सकता था कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बट अगर मुझे डाउट था कि एक बार सॉफ्टवेयर कभी भी अगर सैमसंग की MMC हो तो आप उसको एक बार फ्लैश करके देखो, अगर नहीं है तो उसको फिर आपको इसका CPU रिवॉल्व करेंगे गाइस और ये जॉब डन हो जाएगा। 110% CPU रिवॉल्व करेंगे और ये जॉब डन हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये एंडलेस सोल्यूशन आपको अगर मिला हो, क्योंकि देखिए अभी अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी वीडियो लाइव मैंने बहुत सारे डुअल टेकर या नॉर्मल के भी CPU निकाल करके रिवॉल्व करके दिखाई हुई है। तो अगर आपको देखना है कि डुअल टेकर या नॉर्मल IC टेस्टेड IC वो कैसे निकाल के क्लीन करते हैं, तो वो सारा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे या फिर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इससे ये सोल्यूशन तो फर्स्ट सोल्यूशन नहीं निकला, सेकेंड सोल्यूशन यही है कि आप इसका CPU निकाल करके रिवॉल्व कर देंगे और 100% जॉब डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच गाइस।